दोस्तों Redmi सीरीज के सभी मोबाइल पे MIUI को यूज़ किया जाता है और इस UI के अंदर बहुत सारा सीक्रेट फीचर्स रहता है जो कंपनी देता तो है लेकिन छुपा के रखता है, दिखाता किसी को नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी तरह के 10 सीक्रेट फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपके डेली यूसेज में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा और इन सब फीचर्स के बारे में आपको 100% पहले से नहीं पता होगा। तो अगर आप Redmi सीरीज के कोई भी मोबाइल यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है विधानन, आप देख रहे हैं बी इनसाइड। दोस्तों अगर वीडियो देखते वक्त कहीं पर भी लगता है कि इस फीचर्स के बारे में आपको पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहां पे आप क्लिक करके नेक्स्ट फीचर्स के बारे में देख सकते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई आईफोन यूजर को देखते हैं उसके पास कोई कॉल आता है तो हम दूर से ही समझ जाते हैं कि उसके पास कोई आईफोन है। इसके पीछे दो रीजन है, एक है उसका रिंगटोन जो कि आप कोई भी मोबाइल पर रिंगटोन तो सेट कर सकते हैं और दूसरा है कि जब कॉल आता है तो फ्लैश लाइट भी ब्लिंक करता है। तो क्या आपको पता है कि आपका रेडमी का जो मोबाइल है वो भी इनकमिंग कॉल आते वक्त फ्लैश हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे रेडमी नोट 6 प्रो का फ्लैश लाइट कैसे ब्लिंक कर रहा है कॉल आने पर। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स के अंदर आपको ऐप ऑप्शन मिलेगा, ऐप के अंदर सिस्टम ऐप सेटिंग्स एंड उसके बाद आपको कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। कॉल सेटिंग्स के अंदर आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लैश व्हेन रिंगिंग। आप इस फीचर्स को अगर आपके मोबाइल पर ऑन कर देंगे तो उसके बाद जब भी आपके मोबाइल पर कॉल आएगा तो आपको मोबाइल इसी तरह से ब्लिंक करेगा जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, सिर्फ लोगों के सामने आपका मोबाइल अच्छा है यही दिखाना नहीं। जब भी आपका फोन कहीं दूर में रखा हुआ रहता है तो साइलेंस रहता है तो उस कंडीशन में आपको पता नहीं चलता कि आपके मोबाइल पे कॉल आ रहा है और ये लाइट ब्लिंक करने से आपको इजीली दूर से पता चल जाता है कि आपके मोबाइल पे कोई कॉल आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आप डेफिनेटली आपके मोबाइल पे डेली यूज कर सकते हैं। दोस्तों फ्लैश लाइट से जुड़ा और भी एक फीचर है जो कि बहुत ही मदद करता है और मैं रेगुलरली इसको यूज करता हूं। अगर आपका फोन का स्क्रीन लॉक है और आप पावर की को दो बार प्रेस करेंगे तो फट से आपका जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा और आप कुछ भी देखना चाहते हैं अंधेरे में तो आप देख सकते हैं। इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर एडिशनल सेटिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा जिसके अंदर आपको एक बटन शॉर्टकट ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्न ऑन टॉर्च, तो इसके अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जो भी आप चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल प्रेस द पावर बटन ऑन करेंगे तो आप दो बार प्रेस करने से पावर बटन को आपका टॉर्च ऑन हो जाएगा। आप जब भी कभी बाहर जाएंगे तो आपको अलग से टॉर्च कैरी करने का जरूरत नहीं होता है, आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा और सिंगल क्लिक में ये बंद भी हो जाता है। अगर आप अंधेरे में कुछ काम करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा काम रहता है अंधेरे में, या फिर आप मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करके नोटिफिकेशन बार से लाइट जलाना थोड़ा सा टाइम लग जाता है और आपको जल्दी जल्दी कुछ देखना होता है अंधेरे में, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा आपको मदद कर सकता है ये फीचर। हमारे दोस्त लोग हमसे डेटा मांगते हैं और हम उनको हॉटस्पॉट ऑन करके दे देते हैं और वो पूरा डेटा हमारा खा जाता है, जो भी चाहे वो डाउनलोड कर लेता है और हम रुक कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप उनको हॉटस्पॉट ऑन करके देंगे तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितना GB उसको या कितना MB उनको यूज़ करने देना चाहते हैं। आप 5 MB 10 MB जो भी आप चाहे सिलेक्ट करके रख सकते हैं, उतना ही डेटा वो लोग यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद डेटा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा और भी एक चीज़ होता है कि एक दोस्त मांगता है, दो चार दोस्त ज्वाइन हो जाता है हॉटस्पॉट में, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, कोई चोरी छुपे ज्वाइन नहीं हो पाएगा। आप एक टाइम में एक जन दो जन जो भी आप चाहे आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं, बहुत ही कमाल का फीचर है। ऑन करने के लिए सेटिंग्स के अंदर आपको हॉटस्पॉट ऑप्शन में जाना होगा, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा 1 टाइम डेटा लिमिट, तो यहाँ पे आपको सेट करना होगा कि आप कितना MB यूज करने देना चाहते हैं। आपको कस्टम का ऑप्शन भी मिल जाता है तो आप जो भी चाहे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है व्हेन एक्सीडेड, तो उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली डेटा बंद हो जाएगा या फिर आपको सिर्फ इन्फॉर्म करेगा, तो जो भी आप चाहे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आप टर्न ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और नेट नहीं चलेगा। इसके अलावा भी आप नीचे कनेक्टेड डिवाइस में एक ऑप्शन और भी मिल जाता है कि आप कितने जन को एक साथ में कनेक्टेड होने देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक या दो जो भी आप चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा लोग यूज नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये फीचर्स कैसा लगा आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मोबाइल का स्टोरेज कम हो जाना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और उसके लिए हम लोगों को कई वीडियोज फोटोज वगैरह डिलीट करना पड़ता है स्टोरेज को बढ़ाने के लिए। कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ गुप्त सामान भी रहता है वो भी डिलीट करना पड़ जाता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बाद आपका जो मोबाइल है उसका 2-3 GB स्टोरेज जो है बढ़ जाए। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स के अंदर आपको अबाउट फोन मिल जाएगा, अबाउट फोन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैश डेटा या फिर कैच डेटा जो भी आप चाहे कह सकते हैं। इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसको आप क्लीन कर देंगे तो आपका 2-3 GB डेटा जो है वो बढ़ जाएगा। आप जब क्लीन करेंगे तो आप नीचे देखिएगा कि वहां पर लिखा हुआ रहता है कि कितना GB आपका कैश डेटा के अंदर खा गया है फोन, तो ये अगर आप क्लीन कर देंगे तो आपका स्टोरेज जो है वो 2-3 GB बढ़ जाएगा। आप उसके बाद अवेलेबल डेटा में जाके चेक कर सकते हैं, डेफिनेटली
डेफिनेटली आपका स्टोरेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके बाद आप और भी ज्यादा मतलब गुप्त चीज भर के रख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। दोस्तों कई बार जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि इंटरनेट कितना स्पीड से चल रहा है, वो चल रहा है कि नहीं, वो भी हम लोगों को पता नहीं चलता है। इसका स्पीड भी हम लोग चेक नहीं कर सकते, लेकिन आपके रेडमी फोन में एक ऑप्शन होता है जिसको आप ऑन करेंगे तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में कितना स्पीड से इंटरनेट काम कर रहा है। सेटिंग्स के अंदर आपको डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर आपको नॉच एंड स्टेटस बार बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अंदर आपको शो कनेक्शन स्पीड इस ऑप्शन को ऑन करना होगा तो आपका जो डेटा प्लान है इसका स्पीड को इजीली चेक कर पाएंगे। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन पैनल में जाके चेक भी कर सकते हैं कि आप आज के डेट में कितना एमबी डेटा कंज्यूम किया है या फिर पूरा मंथ में कितना कंज्यूम किया है, वो भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि बहुत यूजफुल रहता है डेली यूजेज के लिए, तो इसको भी आप जरूर ऑन कर दोस्तों। वीडियो देखना अच्छा लग रहा है, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो ये कैसा बात हुआ यार, एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। दोस्तों हम इंडियंस म्यूजिक के बड़े शौकीन होते हैं, जिन लोगों का गर्लफ्रेंड नहीं है उन लोगों को रात में गाना सुने बगैर नींद नहीं आता। मुझे भी पहले ऐसा होता था, बिना गाना सुने नींद नहीं आता, मतलब। तो अगर आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है तो आज के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन एंड देन लास्ट में आपको मिल जाएगा ईयरफोन। इसके अंदर आपको MI साउंड एनहेंसर इस ऑप्शन को ऑन करना होगा और उसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें से आप MI इन ईयर या फिर MI कम्फर्ट इस ऑप्शन को आप सुन सकते हैं। आप म्यूजिक सुनेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है पहले से और अभी में। तो ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि सिर्फ आपको Redmi के मोबाइल पे ही देखने को मिलेगा, दूसरा किसी भी ब्रांड के मोबाइल पे आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों कई बार हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं या फिर हमारे पीठ पीछे क्या बोलता रहता है और वो हम लोग सुन नहीं पाते, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके बीबी या फिर आपके हस्बैंड आप वहां से चले जाने के बाद दूसरा किसी को लेके आते हैं। एक फीचर्स होता है Redmi के मोबाइल पे जिसके मदद से आप अगर फोन आपके पास वहां पे आप छोड़ के चले आते हैं तो अगर आप दूसरा किसी मोबाइल से आप कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। इस फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स के अंदर ऐप एंड ऐप्स के अंदर सिस्टम ऐप सेटिंग्स, उसके अंदर आपको कॉल सेटिंग्स ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको ऑटो आंसर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर इसको ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये फीचर्स काफ़ी सारे फोन में रहता है लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि दूसरा फोन में आपको एक हेडफोन कनेक्ट करके रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। आप जस्ट फोन को अगर साइलेंस मोड में रख के वहाँ पे चले आएंगे और आप दूसरा किसी भी फोन से आप कॉल करेंगे तो वहाँ पे कॉल रिसीव हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा और उससे आप जो भी चाहे बात सुन सकते हैं। अगर आप कॉल रिकॉर्ड में छोड़ देते हैं तो आप मतलब पूरा दिन भर का कॉल रिकॉर्ड भी आप सुन सकते हैं। तो हम लोग मोबाइल की स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा टाइम सारा दिन का गुजार देते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कितना ज़्यादा टाइम हम लोग हर दिन यूज़ करते हैं। दिन में कई बार 9-10 घंटा भी हो जाता है और आपको उसका ट्रैक नहीं मिलता है। आपकी मोबाइल के सेटिंग्स में डिजिटल वेलबीइंग नाम का एक ऑप्शन होता है जहां से आप इजीली देख सकते हैं कि आप हर दिन कितना टाइम मोबाइल को यूज करते हैं। आप लास्ट 7-10 दिन का डेटा भी वहां से देख सकते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है और खुद को रियलाइज करने के लिए कि हम लोग कितना ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर। लास्ट फीचर्स के बारे में अगर आपसे बात करूं तो दोस्तों आपके मोबाइल पे एक फीचर होता है जिसके मदद से आपके मोबाइल को दो अलग अलग मोबाइल की तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही कमाल का फीचर है और बहुत ही काम आ सकता है। आपके मोबाइल को आप दो अलग अलग डिवाइस की तरह से इसको यूज कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक ऐड कर दूंगा, वहां से जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो दोस्तों जितना भी हिडन फीचर्स के बारे में मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगा वो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और इन फीचर्स के बारे में क्या आपको पहले से पता था वो भी आप नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो आप नीचे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर इस वीडियो को अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जरूर से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इस फीचर्स के बारे में पता चले। और अगर हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे आपको एक बटन मिल जाएगा जहां पर आप क्लिक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।